तो दोस्तों स्वागत है आपका रोमांस एज में। काफी लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था कि वो लोग जब भी पोकेमॉन्स पकड़ रहे हैं तो वो लोग का पोकेमॉन अपने आप फ्लू हो जा रहा है। तो वो कैसे हो रहा है, यहां तक कि जब वो लोग उसको गोल्ड कैंडी सबसे पावरफुल कैंडी खिला रहे फिर भी उन लोग के पोकेमॉन्स फ्लू हो जा रहे हैं। तो मैं आप लोग को एक ही बात बताना चाहता हूं कि कोई टेंशन की बात नहीं है, बस आपका अकाउंट पोकेमॉन गो ने कुछ देर के लिए सॉफ्ट बैन लगा दिया है। अभी आप लोग डरो मत कि यार सॉफ्ट बैन लगा दिया, ओ माय गॉड, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, रिलैक्स। सॉफ्ट बैन थोड़ा डिफरेंट है, वो बस कुछ देर के लिए रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत दूर किलोमीटर वो सब छोड़ दो, मैं इन शॉर्ट आप लोग एक बात बताता हूँ कि 2 घंटे तक अपने अकाउंट को वैसे ही छोड़ दो, पूरा बंद हो जाओ, कुछ काम वाम कर लो 2 घंटे बाद, सबसे बेस्ट। 2 घंटे ज्यादा हो ही नहीं सकता कुछ भी सॉफ्ट बैन, ठीक है। वो लोग ऐसा बहुत सारे चार्ट आते हैं नेट पे, बहुत सारे यूट्यूब पे भी बहुत सारे चार्ट है, जो लोग आपको इतनी लंबी लंबी वीडियोज दिखाएंगे, आप लोग उसका लंबी वीडियो देखोगे एंड में लोग छोटा सा बताएंगे भाई ऐसा है, तो आप बोलोगे यार पहले बोल देने का था। वो लोग इतनी लंबी वीडियोज बनाते हैं इसलिए ताकि आप पूरा उन लोगों के भाषण सुनो, वो लोगों को रन टाइम मिले, वॉच टाइम मिले, जो टाइम मिले सब मिले लोगों को, ठीक है। तो मैं एकदम फटाफट, मेरी वीडियो 4-5 मिनट के ऊपर कभी रहती ही नहीं है, क्योंकि मैं फटाफट बोल देता हूँ, वीडियो को खत्म कर देता हूँ। तो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि यार आपका सॉफ्ट बैन है, तो सॉफ्ट बैन क्या होता है कि आप अभी समझो एक लोकेशन पे हो, समझो आप एक न्यूयॉर्क के लोकेशन पे हो, अभी आपका मन किया है चलो मैं अपने कोऑर्डिनेट चेंज करूं, मैं जापान आ जाऊं, फिर आप 2 सेकंड में बोलो नहीं मैं चलो कोऑर्डिनेट चेंज करूं मैं तीसरे ऑस्ट्रेलिया चले आऊं, तो यहां पे सॉफ्ट बैन लग जाता है। तो जब भी आप एक कंट्री में हो फिर दूसरी कंट्री में जब आप जाना चाहते हो तो कम से कम 2 घंटे का गैप लो यार, वो कंट्री में घूम लो 2 घंटा, फिर उसके बाद में 2 घंटे बाद दूसरी कंट्री आओ, फिर 2 घंटे बाद, ऐसा करो, वरना क्या फटाफट चेंज कर दोगे, कोऑर्डिनेट चेंज करोगे ना। तो यार पोकेमॉन गो का सर्वर अभी इतना स्ट्रांग हो गया कि पहले 2018-19 में क्या होता था, शायद 19 की बात है, क्योंकि एक पोके स्टॉप पे अपन खड़े फिर अपन 30-40 बार अपन उसको घुमाते ना तो ऑटोमेटिकली बैन हट जाता था। तो अभी उन लोगों का सर्वर इतना पावरफुल हो गया ना कि आप लोगों को बैन कर देगा। अभी आप बार बार कंटिन्यू अगर आप रिपीट करोगे ना तो मुझे ऐसा डर है, अभी ऐसा मालूम नहीं ऐसा होता भी है या नहीं, बट बहुत सारे लोग अभी तक ऐसा मिथ है, ऐसा कुछ परफेक्ट है नहीं, क्योंकि पोकेमॉन को अगर सबको अगर बैन करना लग गया रियल में सबके अकाउंट तो वो खुद क्या कमाएगा, ठीक है। तो 2 घंटे का गैप ले लो, अगर आप न्यूयॉर्क में हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप न्यूयॉर्क में हो, अगर आपको चेंज करना है, जापान में जाना है, कोई दूसरी कंट्री में जाना है, तो 2 घंटे रुक जाओ, फिर जाओ, फिर वहां पे रुक जाओ, पकड़ो पोकेमॉन, फिर 2 घंटा रुक जाओ, फिर चेंज करो। बार बार अगर आप साइमेंटोलियसली एकदम फटाफट चेंज करोगे ना तो आपको बैन लग जाएगा। इन शॉर्ट बैन से क्या होता है कि आप कोई भी पोकेमॉन पकड़ नहीं पाओगे, कोई भी। और उस टाइम पे यार कमीनापन दिखा होता है कई बार, ऐसा मेरे को ऐसा लगता है कई बार शाइनी आ गया अपने पास, या अपने पास कभी कैगस खान आ गया, आप उसको पकड़ रहे हो वो फटाक से उड़ जाएगा, तो आप बोलोगे अरे यार शिड़ी क्या हो गया। तो बिना वीडियो को लंबी करे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज़ लाते ही रहता हूँ। पीस।